यार देखो, आज के बाद अगर आप ऐसे आलस या प्रोकेस्टिनेशन कर रहे हो ना, तो वो जस्टिफाइड है। क्योंकि ऐसी बात आपको बताऊंगा, आप बोलोगे भाई WWE के बंदे ऐसे कैसे कर सकते हैं। ये WWE के जो रेंडर्स आते हैं, जिसमें वो एक सुपरस्टार का हाथ काट के दूसरे को लगा देते हैं, वो तो ठीक था। लेकिन अब जो कल स्मैकडाउन होने वाली है, जहां पर कोडी रोड्स एंड गुंथर दोनों फेस टू फेस कुछ तो अपना क्राउन जूल का मैच हाइप करेंगे, ये यहाँ पे इन्होंने जो रेंडर यूज किया है गुंथर का, वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ है। अरे भैया, इसको मैं आलस भी बोलूँ या कोई बंदा फूक के बैठा है क्या कर, लेकिन ये लिटरली चीज इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डिजिटली पोस्ट की हुई है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वाला गुंथर इन्होंने कोडी रोड्स के साथ लगा दिया। अब ये गलती भी, मतलब ये ऐसा है क्या कि एक बंदा आके कुछ भी छाप देता है? पता नहीं, मैं तो ऐसा सोचता हूँ भाई, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से चीज होती है कि पहले ये फिर ऐसे ऐसे, लेकिन पता नहीं भाई क्या है। अब आलस वालस भी क्या बोले, ऐसे तो बड़ी वाली बेवकूफी भी कह सकते हैं, ऐसे इतना तो फर्क पड़ता नहीं। लेकिन वही है, एक चीज को कुछ कर दी इंटरनेट पर तो फिर वो चलते जाती है, लोगों की नजरों में आ जाती है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। मुझे पता है कल की स्मैकडाउन के लिए एक जो सारी चीजें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो है ब्लड लाइन का रियूनियन। मतलब कि जिमी उसो, जे उसो, रोमन रेन से सारे लोग एक साथ आ जाएंगे और जो गंदी वाली ब्लड लाइन है उसकी गंदी तरीके से ये मार बजाने वाले हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक एंगल बता रहा हूं, जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, बट एक इंटरेस्टिंग पिच है जो कि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट डाल सकती है इस ब्लड लाइन के पूरे रियूनियन वाले एंगल में। तो एंगल कुछ ऐसा है कि जो जे उसो हैं, वो रोमन रेन्स एंड जिमी उसो की साइड आएंगे ही नहीं, बल्कि एक जो प्लॉट ट्विस्ट है यहाँ पे वो ये है कि जे उसो रोमन रेन्स एंड जिमी उसो के ऊपर ही टर्न करेंगे। मतलब उनके साथ वो आएंगे नहीं और वो बैड वाली ब्लड लाइन के साथ जाएंगे। अब आप सोचिए ये क्या, ये कैसी फूक के बाद बोल दी। तो देखो, ऑब्वियसली जो स्टोरी लाइन के हिसाब से सेंस बन रहा है वो यही है कि जिमी उसो, जे उसो एंड रोमन रेन साथ में आएंगे। लेकिन एक वो शॉकिंग एंगल डालने के लिए, जो ब्लड लाइन की स्टोरी में हमको हमेशा ही दिखता है कि जो हम सोच रहे हैं वो होता नहीं है। हमने सोचा था कि पहले जिमी आएंगे, जे आएंगे, फिर रोमन आएंगे, लेकिन कहानी तो कुछ अलग हुई। पहले रोमन आ गया, फिर जिमी आया और अब तक जे आया नहीं है। तो फिर ये एक ऐसा शॉकिंग वाला ट्विस्ट डाल देगी WWE कि तुम जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि जे उसो ऐसा भी कर सकता है। बट ऑब्वियसली मैं ये भी बोलूंगा कि इस एंगल के होने का चांस बहुत बहुत ज्यादा कम है। उसका एक ही बड़ा रीजन है कि एज बेबी फेस जो बिजनेस बना के दे रहा है बंदा जे उसो, वो WWE इस समय किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। बट एंगल ऐसा है जो कि ये देखो यार, ब्लड लाइन की स्टोरी में कुछ भी हो सकता है, बट अभी तो वही वॉर गेम्स वाला ये सारे सीन चल रहा है, तो शायद WWE इस चीज को ना भी करे। लेकिन इन फ्यूचर शायद WWE इसको कर सकते, क्योंकि ब्लड लाइन कितनी बार जुड़े कितनी बार टूटेगी इसका आइडिया भी खुद भी किसी को नहीं है। भाई 200 दिन पूरे हो चुके हैं कोडी रोड्स के टाइटल रेन को, और अब मैं ये आपको बोलना चाहूंगा कि जो हमारे एशिया के फैंस हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहां पे तो बहुत सारे लोग कोडी रोड्स को देखते हैं इस तरीके से। भाई बहुत सारे लोग तो इसीलिए नफरत में है कि भाई इसने रोमन रेन्स को कैसे हरा दिया। उन फैंस की नहीं बात कर रहा मैं, जो जेन्युइन वे में देखते हैं कि कोडी रोड्स का रेन कैसा था, वो तो बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज कर ही रहे थे। अब भाई ये जो स्मार्ट वाले रेसलिंग फैंस है ना, जो ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं थोड़े, जैसे वेस्टर्न, यूके वाले, अमेरिका वाले, इन्होंने भी इस बात को बोलना शुरू कर दिया कि ठीक है मैचेस तो ठीक थे, लेकिन बंदे का टाइटल रेन बढ़िया नहीं है। ये बात अब ऐसे ओपनली सारे ही लोग बोल रहे हैं, क्योंकि अब 200 दिन पूरे हुए तो भाई अब यही चल रहा था कि भाई कैसा रेन रहा, क्या रेट करोगे ऐसे। तो यहां पे लोग यही बोल रहे हैं भाई WWE ने अच्छी स्टोरी लाइन नहीं दी है कोडी रोड्स को। तो मतलब कुछ भी बोलो भाई, अब इसको डिफेंड नहीं कर सकते आप। जब इतना बड़ा टाइटल रेन टूटा था, तो जो बंदा जीत के उसको आगे कैरी कर रहा है, उसको कुछ बहुत तगड़ा करना ही चाहिए था, उसके ऊपर वो प्रेशर था, लेकिन उस चीज़ में फेल हो चुके हैं कोडी रोड्स। बट जिस चीज़ में फेल नहीं हुए, वो है WWE का बढ़िया वाला धंधा बना के देना। तो फिर अब समझ लो भाई, अब ये बहुत बारी गाने गाता रहता हूँ मैं वीडियो में कि आप किस तरीके से कोडी रोड्स को देखते हो, बट मैं चाहता हूँ कि अभी कोडी रोड्स कुछ तगड़ा करें, शायद वो हील टर्न करके भी हो सकता है। मंडे नाइट्रो नेटफ्लिक्स के ऊपर जाने वाली है, और भाई नेटफ्लिक्स जहाँ से हो, सॉरी मंडे नाइट्रो जहाँ से होगी, और नेटफ्लिक्स जो उसका अरीना होने वाला है, रूमर्ड अरीना है वो कैलिफोर्निया से ये है। और यहाँ पे आप इस वीडियो में देख सकते हो भाई, ये नॉर्मल अरीना नहीं है। एक तो मैंने वो स्फीयर वाला आपको दिखाया था, जिसमें पूरी ही वो एक स्क्रीन सी लगी हुई होती है, तो वो ऐसा एक्सपीरियंस जो मूवी वगैरह का दिखाया था मैंने आपको। लेकिन अगर आप इसको भी देखोगे भाई, तो यहां पे आप देख सकते हो ये ऊपर जिस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई हुई है, जहां पे यूजुअली चार ऐसे डब्बे से LED लगा देते हैं ऐसे ऐसे, ताकि चारों साइड के लोगों को दिखे, लेकिन यहां पे तो पूरा ऐसे गोल में ही कुछ एग वाली शेप में ऐसे करके बना हुआ है, जहां पे आप चला सकते हो चीज़ें। तो शायद WWE अपनी प्रोग्रामिंग में इसको यूज़ कर सकती है, जैसे इफेक्ट पड़ जाता है ना छोटा मोटा कि यार अच्छा विजुअली देखने में ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, तो क्या पता WWE इस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करे, क्या पता उस पट्टी के हिसाब से ही WWE कुछ चीज़ें तैयार करे जो जब लोगों को दिखें टीवी पर तो नहीं, नेटफ्लिक्स पर, तो वो थोड़ा अलग एक्सपीरियंस देगा। तो ये कुछ WWE कर रही है प्लान, अभी कन्फर्म भी नहीं है कि कैसी जगह से होगा, बट हाँ इसके टॉक्स बहुत चल रहे हैं कि इसी अरेना से शायद नेटफ्लिक्स का पहला मंडे नाइट रॉ का एडिशन आ रहा है।
क्या सीन है भाई गोल्डबर्ग का, मतलब WWE प्लान क्या कर रही है? ये तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि WWE के पास प्लान्स हैं गोल्डबर्ग के लिए। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि गोल्डबर्ग कुछ ना कुछ एक और मैच के लिए तो वापस आ रहा है, एटलीस्ट एक मैच के लिए तो वापस आ रहे हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अब गोल्डबर्ग ने खुद इसके ऊपर कॉमेंट किया है कि बैड ब्लड में हुआ क्या था, तो वो सिंपली बोलते हैं मैं अटलांटा में था अपने किसी बिजनेस, किसी टीवी वीवी के लिए, टीवी मूवी पता नहीं क्या कुछ, तो ऐसे वो कह रहे थे कुछ शूट के लिए थे वो, तो WWE की तरफ से इनविटेशन आता कि भैया हमारे भी बैड ब्लड है यहाँ पे जरा आ जाओ, तो मैं वहाँ पे चला गया और मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, मैं सिंपली जाके अटेंडेंस में एक शांत बच्चे की तरह था वहाँ पे कि बस आज आ जाकर चुपचाप, मेरे को कुछ रोल नहीं करा, इनोसेंट बंदे की तरह मैं बैठा रहूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डेड हूँ, मैं रिटायर हो चुका हूँ, मेरे से अगर कोई बंदा उंगली करेगा, मेरी फैमिली के साथ उंगली करेगा, तो फिर मैं सबक सिखाने में भी नहीं रहने वाला। और इसी वजह से फिर उन्होंने बोला कि वो गुंथर के ऊपर आकर ऐसे चढ़ गए थे, ये सब उन्होंने बताया। तो भाई देखो जिस तरीके से गोल्डबर्ग ने इस बात को बोली है, मैं बता सकता हूं कि एग्जैक्टली यही बात है, WWE भी उनको थमा रही है और वो वर्ड्स कुछ वैसे ही निकल रहे हैं, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी एक ऑर्गेनिक या दिल से निकली हुई बात निकली नहीं। इसका मतलब कि एक स्टोरी लाइन का पार्ट है और स्टोरी लाइन का पार्ट है इसका मतलब कि गोल्डबर्ग और गुंथर का मैच तो हो ही रहा है, और बाकी जो दूसरा मैच मैंने आपको बताया था वो गोल्डबर्ग और ब्रॉन ब्रेकर के होने का भी चांस है। आई थिंक बेस्ट वे में अगर WWE रिटायर करना चाहती है तो इट इज ब्रॉन ब्रेकर, क्योंकि उससे पासिंग द टॉर्च वाला मूवमेंट भी हो जाएगा ब्रॉन ब्रेकर के लिए, और गोल्डबर्ग ऐसा करके जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो गोल्डबर्ग से कहते हैं भाई ये तो स्पॉट लेने आ जाता है, ये बेस्ट तरीका हो सकता है फिर रिटायर होने का वैसे भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज से 5 साल बाद भी गोल्डबर्ग कंपीट करेंगे, वो वैसे भी नहीं होने वाला। तो आई थिंक ये बेस्ट चीज़ है, अब लेके आए हैं तो फिर अब प्रॉपर वे में उसको एंड भी करें, गोल्डबर्ग को रिटायरमेंट मैच भी चाहिए, तो ये तो दोनों हाथ में लड्डू वाली सिचुएशन है। ये मुझे यार बहुत ज़्यादा फनी लगा इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मेल्ट्ज़र चिचा ने क्या बोला रॉक की बैड ब्लड में जो अपीयरेंस हुई उसके बारे में, वो ये कहते हैं कि मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ कि रॉक तो रेसलमेनिया के बाद से देख भी नहीं रहा कि WWE में चल क्या रहा है, वो स्टोरी लाइन से उसको कुछ पता भी नहीं है कि क्या है। जो भी बैड ब्लड में मैच हुआ ना उसमें कुछ रॉक का से था कि क्या होना चाहिए क्या करना चाहिए, सिंपली बस उनका एक रोल था कि बैड ब्लड के शो के एंड में जाके उनको एक अपीयरेंस करनी है ताकि वो फैंस को पता चले कि आगे लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग में इसका किस तरीके से यूज होने वाला, बाकी इससे ज्यादा उसका कोई मतलब था नहीं वहां पर। और वो एग्जैक्टली हमने देखा भी कि बस रॉक के आने से क्या हुआ, हमको यही तो पता चला कि हाँ भैया रॉक की फ्यूचर इन्वॉल्वमेंट होने वाली है अभी WWE के शो में, जो कि वैसे भी ऑब्वियस ही था क्योंकि रेसलमेनिया 41 भी आ रही है तो एक पॉइंट पर जाके तो वो होना ही है, लेकिन वो फैंस को बना के रखने के लिए, क्योंकि वो रॉक की एक अपीयरेंस से भी कितना फायदा होता है भाई कि रॉक आए और बहुत सारे लोग जो कि नहीं देख रहे थे रेसलिंग अब उनको लगा रॉक आ गया, तो उसकी वजह से फिर मैंने बोला नहीं था कि अकीरा टोजावा जैसे बंदे को भी फिर देखना शुरू कर लिया जाता है, तो उस तरीके से फिर WWE देखती है इसको कि चलो रॉक का ये फायदा हुआ उसमें जरूर, रॉक के आने से फायदा हुआ लेकिन उसमें जरूरी नहीं कि रॉक सारी चीजें देख रहे हो। मेल्ट्ज़र की सेंस तो है वैसे बात में, फनी भी है कि भाई बंदा आ रहा है लेकिन देख कुछ नहीं रहा। एक और जॉब मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिर से, WWE से ही ऑब्वियसली रिलेटेड है, मैं ध्यान रखना चाहता हूँ भाई आपका भी कि चलो किसी के पास थोड़ा बहुत टाइम है WWE को दे सकता है, तो हिसाब किताब ये है कि WWE म्यूजिक स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस के लिए डायरेक्टर को ढूंढ रही है किसी, और ये भी मैंने आपको बताया था कि डेफ रेबल के साथ जो है अब WWE आगे कंटिन्यू नहीं करने वाली, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया डेफरेबल को भाई ये कैसे म्यूजिक बनाते वो सब, तो अब उन सारी चीज़ों को WWE पीछे छोड़ के आगे वैसे चलाने वाले कि वो सेलिब्रिटीज़ को उठाए, तो कुछ तो ढूंढ रही है, तो बस वही अगर है कुछ आपका इंटरेस्ट है टाइम है तो जाकर देख सकते हो आप। WrestleMania 41 का रूमर्ड मैच ट्रिपल थ्रेट द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, क्या मैच होने वाला है इसके ऊपर भाई साहब खुद अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स ने ही अपना जो ओपिनियन है अपना जो से है अपने जो प्लान है शायद उसको बता दिया है। वो सिंपली ये कहते हैं कि देखो भाई आजकल इंटरनेट में जो रूमर्स है वो बहुत ज्यादा चलते हैं और उन्होंने इस तरीके से उसको फ्रेम किया कि जितना अनएक्सपेक्टेड ये लोगों के लिए है उतना ही अनएक्सपेक्टेड हमारे लिए भी है, कि उन्होंने भी इस तरीके से बोला कि कुछ क्लैरिटी नहीं है कि WrestleMania 41 में क्या होगा, लेकिन जो एक चीज़ उन्होंने बोली वो ये कहते हैं कि देखो इस समय WWE में किसी टाइटल जीतने से बड़ी बात है कि तुम WrestleMania के मेन इवेंट का पार्ट हो, और अगर मैं WrestleMania के मेन इवेंट का पार्ट हो तो फिर उससे ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। तो मतलब इस चीज़ को उन्होंने इस तरीके से नहीं बोला कि भाई ये मैच तो नहीं हो रहा, उन्होंने काइंड ऑफ इसमें ऐसे दिखाया कि हाँ भाई रूमर्स में तो बहुत कुछ चल रहा है लेकिन अभी कुछ कन्फर्म करके प्लान है नहीं कि यही होगा, क्योंकि कोडी रोड्स ऐसा बंदा जो है ना चाहते हुए बहुत सारी बातें बता देता है, तो इतना ऐसा कुछ बहुत बड़ा हिंट मिला नहीं, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को उन्होंने रूल आउट नहीं किया जो कि बताता है कि शायद कहीं ना कहीं प्लान्स तो ऐसे ही चल रहे हैं। और फिर आपको ये भी पता है कि WWE के पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तीनों सुपरस्टार, क्योंकि मेन इवेंट भी किसका होगा क्या होगा उसको लेकर भी कंफ्यूजन है, तो फिर शायद ये सेफेस्ट ऑप्शन है जिसके साथ WWE जा सकते हैं। बाकी ट्रिपल थर्ड मैच के बारे में बात तुमने बहुत की है। अब वैसे WWE का हर बार का हिसाब बन गया कि जो एलिमिनेशन चेंबर वाला शो है उसको वो USA से तो बाहर ही करेंगे, हमने ये ऑस्ट्रेलिया में होते हुए देखा, हमने इसे सऊदी में
होते हुए देखा है। मैंने आपको ये बताया था कि अभी ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं होने वाला, लेकिन इसके चांसेस यूके में होने के लग रहे थे, बट अब वो भी नहीं होने वाला। कैनेडा का जो स्कोशिया बैंक एरिना है टोरंटो में, वहां से WWE इसको कराने का प्लान कर रही है, और अभी तो करंटली ये प्लान है। तो ये इसी में बता रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए तो बस इतना ही डिफरेंस होता है कि जब WWE आउटसाइड US से जाके कोई शो करती है तो फिर उसमें फिर वो अलग अलग तरीके के एफर्ट्स डालते हैं, और ये अच्छी बात है कि चार वाले शो तो तगड़े हैं ही, उसके अलावा जो बाकी इंटरनेशनल शो WWE बना देती है उससे उस शो की, उस PLE की वैल्यू फिर थोड़ी ज्यादा फील होती है। रॉक वर्सेस जॉन सीना एट WrestleMania 41, ये एक एक्चुअल मैच की मैं बात कर रहा हूँ ऑन द मैच कार्ड। आपको सुन के थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन टेडी लॉन्ग ने इसके बारे में क्या बोला है जो मैं आपको इसको फ्रेम करके बताऊंगा तो शायद आपके दिमाग में घंटी बज सकती है। तो टेडी लॉन्ग का ये कहना है कि जिस तरीके से अभी आगे जॉन सीना अपने लास्ट रन में चल रहे हैं, और जो हिस्ट्री रही है जॉन सीना और रॉक की, जो वंस इन अ लाइफ टाइम के बाद ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम हुआ था, अब वो थ्राइस इन अ लाइफ टाइम भी WWE बना सकती है। देखो, इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए सबसे जो बड़ा रीजन है वो है बिजनेस। आई थिंक जॉन सीना वर्सेस ये रॉक का जो मैच है वो किस लेवल पर अटेंशन लेके आ सकता है वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसको सोचने के लिए एक नहीं बल्कि दो दिमागों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा इनकी अपील, अगर आप ओवरऑल इनके ग्लोबल क्या ऑडियंस की बात करो, मेन स्ट्रीम में बंदे इतने ज्यादा पॉपुलर है। अभी हो सकता है आपको लग रहा है ये कैसे मैच की बात हो रही है भाई, रॉक तो उधर कहां, हम तो रोमन की बात कर रहे हैं, कोडी की बात कर रहे हैं, इससे होगा, ये जॉन सीना कहां से आके बीच में टपक गया। लेकिन आप सोचो सिर्फ एक रॉयल रंबल के अंदर अगर WWE ऐसा एंगल दिखा दे कि जॉन सीना और रॉक आपस में कुछ तो कर रहे हैं, मतलब इनको एक दूसरे से प्रॉब्लम है, तो फिर भाई सही बता रहा हूं, ये जो ब्लड लाइन की स्टोरी है ना, इसको भी बहुत सारे फैंस पीछे रख देंगे कि यार चल ठीक है, ब्लड लाइन की स्टोरी तो चलती रहेगी, जॉन सीना तो आखिरी बार ही आ रहा है, और WrestleMania में जॉन सीना और रॉक का मैच, मतलब अगर एक हफ्ते भी WWE ने वैसा कुछ दिखा देना किसी भी शो में, तो लोगों का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज जाएगा उसको देखने का, और फिर WWE को पता है इससे बढ़िया मनी वाला मैच शायद कुछ हो नहीं सकता। अगर मैं इसको कंपेयर भी करूं वैसे रोमन रेंस और रॉक के मैच से, तो डेफिनेटली WWE की कोर ऑडियंस के लिए तो मैं बोलूंगा रोमन और रॉक वाला मैच ही तगड़ा है, लेकिन वो अगेन कैजुअल फैंस बिल्कुल भाई तबाही, तुमने इंटरनेट ही पूरा हिला दिया, तो उसके लिए रॉक वर्सेस जॉन सीना का मैच भी है, पॉसिबिलिटी तो कम है, लेकिन भाई देखो अगर विंस होते तो मैं डेफिनेटली कहता भाई मैं इसको बहुत हाई ऊपर रखूंगा कि विंस मैकमैन काम करें, बट ट्रिपल एच थोड़ा सा सेंस या स्टोरी लाइन के हिसाब से भी सोचते हैं तो फिर यहाँ पे फिर मामला कुछ उस इस किस्म का, समझ रहे हो आप। लेकिन एंगल तो यार इतना बुरा भी नहीं है, WrestleMania शायद थोड़ा लग रहा है अजीब हो जाएगा, लेकिन फिर भी यार इस पूरे रन में जॉन सीना का अगर रॉक के साथ एक मैच हो जाए, जो कि मुझे लग रहा है हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी अच्छी बात हो जाएगी। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छी बात लगी हो भाई तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोज़ के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मज़े।